माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, दोस्त नहीं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। सबने बहुत धोखा दिया, सबने बहुत धोखा दिया, सबने बहुत धोखा दिया। दुआ में मुझे याद रखना, अब दो ही चीजों पर मेरी जिंदगी टिकी है, दवा और दुआ। आप फील हुआ कि मैं आपसे बात करूं, कि मैं ठीक हूं, उनको नींद नहीं आएगी आज। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं मौत के मुंह से बच के आ गई। मैं पूरा इंस्टाग्राम, पूरे वर्ल्ड, पूरा टिकटॉक, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबने मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी है। मैं ठीक हूँ दोस्तों, मैं टोटली ठीक हूँ। डॉक्टर ने बोला कि दबा के खाना खाना है, डॉक्टर ने बोला कि दबा के खाना खाना है मुझे। दवाई बहुत है, बहुत दवाई है, अब मुझे सब खाना खाना है, सब खाना खाना है मुझे। आप सबके आशीर्वाद से मैं बच के आ गई गाइस। मेरे पेट में इतना बड़ा ट्यूमर था, कटोरे भर, इतना, ये कटोरा भर जाए ना, इतना बड़ा ट्यूमर, कटोरा भर जाए ना, इतना बड़ा ट्यूमर था। मुझे मालूम ही नहीं, मैं शूटिंग बजा रही थी, बेहोश हो गई और रितेश मुझे उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। होता है कुछ और मुझे इंजेक्शन लेना, खाने से पहले इंजेक्शन लेना पड़ता। खाना लिया, मेरी फ्रेंड आई, उसने मेरे ब्राउन राइस बनाया और काली दाल बनाई है, तो मैं खा रही हूँ। वैसे वो मैं, मेरे लिए ये चने की सब्जी भी लेकर आई डब्बे में घर से बना के, मेरे लिए रोटी भी लेकर आई है घर से बना के। मैं उठ नहीं सकती ना, मेरे घर में मेड नहीं है, मैं गरीब हूं ना दोस्तों। डब्बे में खाना लेकर आई मेरे लिए, मैं खाना खाती हूँ। थोड़ा सा अचार लाई है, लेकिन पता नहीं, मैं डॉक्टर को पूछा नहीं मैंने अचार खाना है कि नहीं। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आप सबका शुक्रिया अदा, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ट्यूमर निकलेगा। डॉक्टर को मैंने बोला मेरा ट्यूमर दे मुझे, दे नहीं रही है। मैं अपने पास रखूंगी बोतल में। मुझे पता है खाना कटक खाते टाइम कोई इंस्टा पे आता नहीं है, बट मैं आई हूँ, इट्स ओके। मुझे बहुत लोनली फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोनली, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। बहुत गर्मी है पेट में, तो मैं थोड़ा दही भी खा रही हूँ, डॉक्टर ने अलाउड किया है दही खाने के लिए। से मुझे नॉनवेज अलाउड नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी बस, और कुछ भी अलाउड नहीं है। वो भी मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ किचन में। क्या लिख रहे हो तुम लोग, क्या लिख रहे हो? लव यू, हाँ, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी तो बहुत स्वेलिंग है, अभी तो बहुत स्वेलिंग है, बट मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी दोस्तों। आप सबका आशीर्वाद है, खुदा साथ है। आके इतना पेट पूरा फाड़ दिया है मेरा, अब उस पर टैटू कराना पड़ेगा। मैं टैटू नहीं कराना चाह रही हूँ, मुझे वैसे स्टिचेस पसंद नहीं है स्टमक पे, बहुत सारा टांका लगा है।
मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने को, मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं मेरे पास बात करने को, मेरा ख्याल रखने को, मैं अकेली हूँ। कोई नहीं चाहिए, खुदा के अलावा कौन चाहिए बताओ? खुदा के अलावा कोई चाहिए भी नहीं है ना, खुदा के अलावा कोई नहीं जाए, आए हैं अकेले, जाना अकेले। मैं बच गई दोस्तों, मैं बच गई। छह महीने तो जिम भी नहीं जाना है, काम धंधा कैसे करूंगी पता नहीं, मोटे हो जाऊंगी तो कैसे काम करूंगी। छह महीने जिम भी नहीं जाना है मुझे, डॉक्टर ने बोला बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और जिस जगह का हुआ है वो तो लाइक बहुत स्ट्रांग। कितना अच्छा मैं बॉलीवुड में आप सबको हंसाती थी, कुछ न कुछ नौटंकी करके आप सबके दिल में रहती थी, पता नहीं अब मैं कब ठीक होऊंगी, कब मैं फिर आप सबको हंसाऊंगी या कुछ नया करूंगी। मुझे तो बैठने भी नहीं होता, मुझे सिर्फ लेटे रहना पड़ता है। जिंदगी में सब करो लेकिन शादी ना करो, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। सब करो, प्यार मत करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, नहीं होता बर्दाश्त। हमारी जिंदगी को हम खुद जहन्नुम बनाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी को खुद जहन्नुम बनाई है लोगों पे ट्रस्ट करके। कौन से इंसान को पता होता है दोस्तों, हमें लगता है हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, किसे पता है कि हम एक गड्ढे में घुस जाएंगे या हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, किसे पता होता है दोस्तों, किसे पता होता है बोलो ना। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करती? बोलो ना, पता नहीं था दोस्तों। कोई बात नहीं, एक ही जिंदगी है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं अच्छी तरह हॉस्पिटल से आ गई, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि अच्छे डॉक्टरों के हाथ में थी मैं। मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ भी नहीं मेरे लिए दुआ करे, मेरी माँ चली गई है, मैं माँ को ही ढूंढती रहती हूँ। पर्स में मेरी माँ को देखो, फोटो लगा के ना माँ को देखती रहती, माँ से बात करती रहती पागलों की तरह। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं ना उनको पूछो, मैं हमेशा माँ के लिए जी हुई हूँ। माँ ने मुझे हमेशा, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी। माँ है तो दुनिया है, वरना दुनिया तो नोच के खा जाती है। अगर आपके पेरेंट नहीं है तो अकेलापन आप कब तक रह सकते हैं? माँ बाप रहते हैं तो माँ बाप को कोई पूछता नहीं है, बाहर भाग जाते हैं दोस्तों में। माँ बाप है तो पूरी दुनिया है, कुछ नहीं है। मैं दाल चावल खा रही हूं,
मैं दोबारा जान ले से बचकर आई हूं। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाह रही दोस्तों, हर कोई अपनी जिंदगी जिए। जिस खुदा ने मुझे बचाया है बस मैं तो दिन रात उसकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं दोस्तों। क्या लाई थी मैं जो ले जाऊंगी? मुझे किसी की कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। कोई से किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में। आपका सच्चा दोस्त सिर्फ खुदा है। कोई किसी का कोई नहीं है इस दुनिया में। गोलियां नहीं खानी होती ना, बहुत सारे ओवरडोज दिए पेन किलर। उसको हिम्मत के लिए मुझे खाना ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाना पड़ता है, खाती हूं मैं। मैं दीवारों से बातें करूं क्या करूं? फिर मैंने बोला मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूं, मेरे फैंस से बातें करती हूं। फिर मैंने सोचा कि चलो क्या करूं मैं, मां नहीं बाप नहीं कोई नहीं दोस्त नहीं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। अब सबने बहुत धोखा दिया, सबने बहुत धोखा दिया, सबने बहुत धोखा दिया। सबने बहुत धोखा दिया। बहुत धोखा दिया है सबने मुझे। मैं ट्रस्ट नहीं करती अब किसी पे। सबको हंसाने वाली राखी सावन, क्या हालत हो गई है मेरी बताओ। सबका खुदा ही की है, जो करेगा वो भरेगा। मैं मौत के मुंह से बच के आ गई हूं। बस मुझे खुदा के लिए अपनी जिंदगी एकदम करनी है। सॉरी, मुझे पसंद नहीं है रोना, लेकिन आप लोग के सामने रो पड़ती हूं मैं। सॉरी, थोड़ा सा फिगर बनता है, थोड़ा सा मीडिया के सामने आती हूं, इतने में बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती हूं। वहां पर काट कूट काट दिया, ट्यूमर निकाला, मुझे नहीं पता मैं कब ठीक होऊंगी। टाइम तो लगेगा, इतना बड़ा सर्जरी है, लेटे रहना पड़ता है, थोड़ा बैठती हूँ दो दो घंटे, एक एक घंटा बैठती हूँ, उठती हूँ। मैं चलती हूँ गाइस, दुआ में मुझे याद रखना। अब दो ही चीजों पर मेरी जिंदगी टिकी है, दवा और दुआ। दवा और दुआ।
आप फील हुआ कि मैं आपसे बात करूं कि मैं ठीक हूं। मेरे दुश्मनों को तो आज नींद नहीं आएगी, मेरे दुश्मनों को नींद नहीं आएगी। आओ राखी सावंत जिंदा है, उनको नींद नहीं आएगी आज।